पोजीशन साइज एंड लेवरेज फ्यूचर ट्रेडिंग में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम कोई भी अपनी पोजीशन ओपन करते हैं, हो सकता है कि वो लॉन्ग की हो सकता है कि वो शॉर्ट की हो, अगर दोनों में से एक भी इनबैलेंस है तो डेफिनेटली या तो हमारी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी या फिर बहुत जल्दी हमारा जो बेनिफिट है वो बढ़ेगा, बहुत जल्दी हमारा लॉस बढ़ेगा। सो आप में से बहुत सारे यूजर्स कंफ्यूज रहते हैं कि पोजीशन साइज हमें कितनी लेनी चाहिए, लेवरेज हमें कितनी लेनी चाहिए एंड जो हमारा लिक्विडेशन प्राइस है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस कॉइन में या फिर लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर में आपको पोजीशन साइज कैसे डिसाइड करना है कि कितना लेना है, आपके पास जितना भी बैलेंस है खुद के पास उसमें से कितना पैसा आपको हर एक ट्रेड में खर्च करना है और हर एक ट्रेड में आपको कितना लेवरेज लेना है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सो सबसे पहले स्टेप है, आपको क्वांटिसिक्स एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। पहले से इंस्टॉल है तो आप अपडेट कर लीजिए, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखेगा। आपको यहाँ पे नीचे काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, फ्यूचर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर आपका मार्केट्स का ऑप्शन सेलेक्ट होगा, उसके बाद में ऑल पे क्लिक कर लेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में जितने भी आपको फिलहाल कॉइनडिसिक्स ऐप पर जो कॉइन्स मिलते हैं जिनमें आप अपनी पोजीशन ओपन कर सकते हैं लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की, वो फिलहाल लिमिटेड कॉइन है, बट आई होप कि आने वाले दिनों में यहाँ पे काफी सारे कॉइन्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि पोजीशन साइज एंड लेवरेज को हमें कैसे मैनेज करना है या फिर कितना लेना है। आप किसी भी कॉइन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सभी कॉइन्स में आपको समान ही जो ऑप्शन वो देखने के लिए मिलेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बिटकॉइन पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। नीचे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, बाय लॉन्ग एंड सेल शॉर्ट। मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि दोनों में जो लेवरेज होता है एंड पोजीशन साइज होता है उसको आपको डिफरेंट तरीके से यूज करना है। सो पहले समझते हैं बाय लॉन्ग वाले ऑप्शन को। सो बाय लॉन्ग का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बाय लॉन्ग का आपको जो ऑप्शन मिलता है उसको आपको तब यूज करना है जब आप जिस भी कॉइन में बुलिश है कि आपको लगता है कि इसका जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल चल रहा है $19,900 के अराउंड, आपको लग रहा है कि यहीं से जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $24,000 जाने वाला है, $50,000 जाने वाला है, तो आप उस कंडीशन में लॉन्ग करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं यहां बाय लॉन्ग पे क्लिक कर लेता हूं, उसके बाद में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। दो ऑप्शन मिलते हैं, मार्केट ऑप्शन एंड लिमिट ऑप्शन। सो मार्केट ऑप्शन को आप तब यूज करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, आप जो भी प्राइस लिख रहे हैं उस पे आपका ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं हो रहा, प्राइस वहां से बढ़ जा रहा है, तो आप उस झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए आपको जो मार्केट ऑप्शन है उसका चयन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन होता है लिमिट ऑप्शन। आपको फर्क नहीं पड़ता कि यार क्या प्राइस चल रहा है, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, तसल्ली से मैं अपना जो ऑर्डर है वो कंप्लीट करना चाहता हूं, आपको लगता है कि ये प्राइस मेरे लिए ठीक है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूं, तो आप अपना जो खुद का प्राइस है वो बता सकते हैं लिमिट प्राइस में और उसके अनुसार फिर अपना जो भी पोजीशन आप लेना चाहते हैं लॉन्ग शॉर्ट का वो ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिमिट ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको मार्केट ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि बिटकॉइन का मुझे प्राइस फिलहाल दिखाई दे रहा है कि $19,900 के अराउंड जो बिटकॉइन का प्राइस है वो फिलहाल चल रहा है। नीचे आपको लिमिट प्राइस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको वो अमाउंट डालना है जिस पे आप अपनी पोजीशन ओपन करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो लॉन्ग की डालिए, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट वाला जो भी प्राइस है वो डालिए। जैसे फिलहाल चल रहा है $19,898 या $900 के अराउंड, मुझे लग रहा है कि नहीं बिटकॉइन का प्राइस जब आएगा $15,000 तब मैं अपनी जो पोजीशन है वहां से लॉन्ग की ओपन करूंगा, मुझे लग रहा है कि फिलहाल तो गिरने ही वाला है, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूं, मैं चाहता हूं कि $15,000 पे तब आएगा तब मैं सोचूंगा। तो आपने एक अमाउंट डाल दिया 15,000 का, आपका जो भी है वो आप डालिए, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है पोजीशन यूएसडीटी साइज। अब पहला आपने काम क्या किया, आपने ये बताया कि मैं इस प्राइस पे इस कॉइन को लॉन्ग करना चाहता हूं, ठीक है। दूसरा आपको ये बताना है कि आपने जो प्राइस बताया जिससे भी आप अपनी पोजीशन ओपन करना चाहते हैं उस पे आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं, वो आपको पोजीशन साइज यूएसडीटी में डालना है। अब यहाँ पे पहले ही एक्सचेंज आपको बताएगा कि देखो भाई कम से कम आपको कितना पैसा यहाँ पे डालना है, तो वो बता दिया कि 15 यूएसडीटी आपको कम से कम डालना है। फॉर एग्जांपल मैं 15 यूएसडीटी यहाँ पे डाल देता हूँ जो कि कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी डाल सकते हैं। उसके बाद में इसने बताया कि आपकी अगर $15 की आप अपनी पोजीशन ओपन कर रहे हैं और 3x का लेवरेज है तो योर मार्जिन का मतलब ये है कि आपका जो बैलेंस है यूएसडीटी का, जैसे मेरे पास अराउंड 10.5 के समथिंग है, तो उसमें से $5 मेरे वॉलेट से यूज होगा, बाकी का जो $10 है वो एक्सचेंज मुझे प्रोवाइड करवा देगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सचेंज से उधार लिया 3x का। अब आप ये कहेंगे कि भाई मेरा जो योर मार्जिन में अमाउंट दिखा रहा है $5 वो तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे $10.5 का तो टोटली जो पोर्टफोलियो वो है उसमें से $5 चले गया, तो बाकी के ट्रेड में कैसे लूंगा। तो उस कंडीशन में आता है लेवरेज काम, यानी कि आप एक्सचेंज से कुछ यूएसडीटी बोरो कर रहे हो, या फिर सिंपल बोल सकते हो भाषा में कि कुछ अमाउंट
अमाउंट आप लोन ले रहे हो या उसके मल्टीपल में लोन ले रहे हो, कुछ भी बोल सकते हो। सो लेवरेज पे मैं क्लिक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं तूफानी ट्रेड करना चाहता हूँ, ज्यादा लेवरेज लेना चाहता हूँ एक्सचेंज, यानी उधार लेना चाहता हूँ। तो फिलहाल मेरा 3x का है, मैं यहाँ पे 20x का ले लेता हूँ। मैं यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करूंगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में आप देखिए, पहले $5 मेरे वॉलेट से यूज हो रहा था, जहाँ पे मेरे पास रखे हैं $10.50 के अराउंड, उसमें पहले $5 यूज हो रहा था योर मार्जिन में, और अब कितना हो रहा है, सिर्फ 0.751। क्योंकि मेरे वॉलेट से जितना भी पैसा खर्च कर रहा हूँ ना मैं, उस पे मैं एक्सचेंज से कह रहा हूँ कि मुझे 20x का उधार दो। अब आप कहेंगे, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे वॉलेट से तो बहुत कम पैसा जा रहा है, तो मुझे तो लेवरेज ज्यादा लेना चाहिए, तो इससे तो मेरा जो पोजीशन साइज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर मेरे डायरेक्शन में अमाउंट गया तो मैं तो बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, और अगर मेरे डायरेक्शन में नहीं भी जाएगा तो मैं कितना सा पैसा गवाऊंगा, सिर्फ $0.751। अरे क्या बड़ी बात है। लेकिन नीचे देखिए, नीचे लिखा है लिक्विडेशन प्राइस। अब लिक्विडेशन प्राइस का मतलब होता है कि अगर आपका ये जो भी अमाउंट दिख रहा है, जैसे मेरी कंडीशन में $14,473, इस पे अगर बिटकॉइन का प्राइस आ गया ना, तो मैं जितना भी पैसा लगा रहा हूँ योर मार्जिन में, जो मुझे दिखा रहा है वो जीरो हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई कितना सा ही हो रहा है, 0.751, यानी कि $1 भी आपका लिक्विडेट नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि आप किस प्राइस पे जो बिटकॉइन है उसको लॉन्ग कर रहे हैं। सो मेरा जो प्राइस है वो लगभग है $15,000, और लिक्विडेट कब हो जाएगा, $14,473। तो भाई क्या डिफरेंट है इसमें, $500 का फर्क है। $500 पे मैं लगभग $1 अपना गवा दूं, कोई सेंस बनता है इस बात का? तो हमेशा जो लेवरेज है ना, वो आपको कम से कम लेना चाहिए। अब जैसे आप थोड़ा सा और देखिए, मान लीजिए कि मैं $1,000 का अपना जो पोजीशन है वो ओपन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1,000 का उसने राउंड फिगर 990 कर दिया, अगर मैं 20x का लेवरेज ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे वॉलेट से जो पैसे खर्च होंगे वो लगभग $49.50 के अराउंड होंगे, एंड जो मेरा लिक्विडेशन प्राइस होगा वो भी $14,500 के अराउंड ही होगा। $500 भी गिरा ना, हवा भी आई, $49.50 के अराउंड मेरा जो मार्जिन होगा ना, वो जीरो हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, इतना मैं लेवरेज नहीं लेना चाहता, इनकी उधार नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे वॉलेट से ज्यादा पैसे खर्च हो जाए, मैं यहाँ पे इसको 5x कर लेता हूँ, कन्फर्म कर लेता हूँ, तो मेरा लिक्विडेशन प्राइस कितना हो गया, $12,220। लेकिन फिर मेरे वॉलेट से कितने पैसे लगेंगे, $198 के अराउंड। आपके वॉलेट से ज्यादा पैसे खर्च करने हैं अगर आपको एक सेफ ट्रेड करना है, जहां पे आपकी एटलीस्ट जो पोजीशन है वो एक्सचेंज स्क्वायर ऑफ ना कर दे, यानी कि ये ना कह दे कि भाई देखो अब तुम्हारा बहुत लॉस हो गया, लिक्विडेशन प्राइस के करीब आ गया, मैं तुम्हारा जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर देता हूं, और जितना भी तुम्हारा मार्जिन तुमने यूज किया है वो अपने पास रख लेता हूं। तो हमेशा अगर आपने लेवरेज ज्यादा ले लिया तो भी आपका पोजीशन गया, और अगर आपने मार्जिन ज्यादा ले लिया तब भी आपका पोजीशन गया। तो इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कॉइन में अपनी पोजीशन ले रहे हैं, लॉन्ग की हो या फिर शॉर्ट की हो, हमेशा आपको ये देखना है कि आपका खुद का बैलेंस कितना है। सो मेरा ये मानना है कि 10-15% से ज्यादा यूज मत करो, अगर $1,000 के अराउंड है तो, और उससे ज्यादा है तो फिर भाई कम करते जाओ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सिर्फ $10 रखे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस ट्रेड में, क्योंकि मेरा छोटा सा अमाउंट है, तो मैं चाहूंगा कि भाई मेरे लिए तो यही सब कुछ है, तो मैं इसमें से कितना यूज करूंगा, $3। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनिमम जो साइज है वो $15 की है, मैंने $15 डाल दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि भाई देखो अगर आप 5x का लेवरेज ले रहे हो तो $3 आपके जाएंगे, बाकी के एक्सचेंज आपको देगा, लेकिन आपका लिक्विडेशन प्राइस आप देखिए $12,220 के समथिंग जो मेरा लिक्विडेशन प्राइस है फिर वो रहेगा। तो मैं $15,000 पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस रख लूंगा $1,000 पे, तो फिर भी एटलीस्ट मेरा जो ज्यादा फंड है वो नहीं जाएगा। अगर मैं फिर वही तूफानी ट्रेड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5x को बढ़ा देता हूँ, 14x कर देता हूँ, तो फिर लिक्विडेशन प्राइस बढ़ गया और फिर मेरा $1 के अराउंड जीरो हो जाएगा। तो मुझे जीरो नहीं करना है। मार्केट ऑर्डर में भी सेम है, मार्केट ऑर्डर में सिर्फ आपको प्राइस नहीं बताना, जब आपको लग रहा है कि ठीक है इस प्राइस पे वैल्यू इन गुड है, मैं अपना ऑर्डर ओपन करना चाहता हूँ, उस समय आपको पोजीशन USDT साइज में वो अमाउंट डालना है कि भाई इस जो प्राइस पे मैं इतना डॉलर लगाना चाहता हूँ, जो भी आप कॉइन में अपनी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ओपन करना चाहते हैं। सो $20 के अराउंड मिनिमम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे $20 डाल लेता हूँ, 5x का मैं लेवरेज लेता हूँ, तो लगभग 3.987 के अराउंड, यानी कि $4 के अराउंड मेरे टोटल बैलेंस में से जो पैसे वो यहाँ पे खर्च होने वाले हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इसी प्राइस पे $20 का पोजीशन ओपन करता हूँ 5x लेवरेज के साथ में, तो $16,200 पे जो मेरी पोजीशन है वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, यानी कि एक्सचेंज ही क्लोज कर
कर देगा और मेरी जेब से जो पैसा जाएगा वो लगभग $4 के अराउंड जाएगा। अब आपको लग रहा है कि भाई मार्केट डाउन जाने वाला है, उस कंडीशन में आप शॉर्ट करेंगे, तो आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसी प्राइस से शॉर्ट करना चाहता हूँ। सो सेम है, पोजीशन यूएसडीटी साइज में आपको वो अमाउंट डालना है जितना आप लगाना चाहते हैं जो भी पर्टिकुलर कॉइन में आप अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने डाल दी $20 के अराउंड, तो मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस रहेगा वो लगभग $22,900 के अराउंड रहेगा, $23,000 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। यानी कि अगर मैं $19,911 पे बिटकॉइन को फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट कर रहा हूँ और ये बढ़ने लग गया, मेरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इनकी गिर नहीं रहा, तो उस कंडीशन में अगर $22,900 के अराउंड आ जाएगा तो मैं जितना भी लगा रहा हूँ पैसा वो जीरो हो जाएगा, जो कि मुझे ओवर मार्जिन में दिखाई दे रहा है। सो अगर अभी भी आपका पोजीशन साइज का, लेवरेज का, लिक्विडेशन का कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।